प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज सहसपुर पहुंचकर गैंगरेप की घटना में पुलिस की जांच की बात को लेकर जानकारी ली है और पीड़िता के परिजनों से मिलकर न्याय की लड़ाई में उन्हें उनके साथ रहने का आश्वासन दिया है। हर संभव मदद का भरोसा कांग्रेस देती दिखाई दे रही है। उन्होंने दोषियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ध्वस्त तो हो चुकी है कानून व्यवस्था और बहन बेटियां बेहद असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस को एक बार फिर से सरकार पर हमला बोलने का मौका मिला है और ऐसे मौके पर जब एक महिला ने रेप का आरोप लगाया और उस पर पुलिसिया जांच चल रही हो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीड़िता के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने सरकार को घेरा तो घेरा ही, साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा पीड़िता को दिया। दुखद घटनाएं की कड़े शब्दों में हम निंदा भी करते हैं और कहते हैं कि सरकार का फेल्योर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, सरकार हर मोर्चे पर। सौरभ भाटिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सौरभ, देहरादून के सहसपुर से एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और अब पुलिसिया जांच इसमें चल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है और सियासी रुख भी अब ये मामला ले रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो है कल जिस समय ये घटना की बात सामने आई थी तो खुद जो है डीआईजी अरुण मोहन जोशी मौके पे पहुंचे थे और तत्काल जो है इस मामले में जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला के द्वारा जिस तरीके से घटना स्थल की जानकारी दी गई उसमें जो संदेह हुआ, पुलिस ने मौका मुआयना किया लगातार, उसके बाद जो है महिला को आज मेडिकल करवाने जब जो है पुलिस के द्वारा ले जाया गया जिला अस्पताल तो वहां पर महिला ने पहले अपने जो मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है महिला के पिता के द्वारा भी जो है पुलिस को लिखित में जो है तहरीर एक अपने स्पष्टीकरण दिया गया और बताया गया कि महिला की जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है, लिहाजा जो है पुलिस इस पूरे मामले पर जो है कोई भी कार्रवाई ना करे। और अब तक जो है कोई मेडिकल जो है अब तक जो कहा जा रहा था कि मेडिकल उनके द्वारा नहीं कराया गया, जो सामान्य तौर पर मेडिकल करवाया गया उसमें जो है कोई भी रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।